वो चाहते थे कि बिहार में मिट जाए अदना और आला का भेद। वो कहते थे बिहार वासियों जागो, उठो, चलो, कदम बढ़ाओ और बगावत करो। आज कहाँ खड़ा है बिहार, कहाँ खड़े हैं बिहारी। कितने साकार हो पाए कर्पूरी के सपने। नमस्कार, हमारे खास पेशकश जननायक का बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं मंजुल मंजरी। इस कार्यक्रम में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन के विभिन्न आयामों की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ यह तलाशने की कोशिश भी करेंगे आज का बिहार कहां खड़ा है और कितने सच हो पाए हैं बिहार में जननायक के सपने। कर्पूरी ठाकुर ने एक छोटे से गांव से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। तमाम झंझावत भी आए, पर वो बढ़ते रहे इस सफर पर। देखते हैं कैसा है कर्पूरी के जन से जननायक बनने का सफर। वो निसहायों की हिम्मत थे, शोषितों की आवाज। उनका सफर जन से जननायक बनने का सफर है। कर्पूरी ने न सिर्फ समाजवाद की बात की बल्कि समाजवाद को जिया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर के पितौझिया गांव के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। पितौझिया गांव से बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफर आसान नहीं था, पर इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वैसे मेरे खानदान में मैं पूर्व तो नहीं जानता, लेकिन पिताजी ही शिक्षित हो पाए। इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से होती है। कर्पूरी ठाकुर अपनी पढ़ाई छोड़ इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद पितौझिया के लक्ष्मी नारायण मध्य विद्यालय में इन्होंने अध्यापन किया। यहीं से 28 सितंबर 1943 को उन्हें अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ये कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। उन्हें दरभंगा जिला इकाई का सचिव बनाया गया। फिर ये हिंद किसान पंचायत की बिहार इकाई के महासचिव बने। 1948 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर नवगठित सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। सोशलिस्ट पार्टी की बिहार शाखा के ये 3 बार संयुक्त सचिव चुने गए। 2.5 सालों तक वे इस पद पर रहे। 1952 में ताजपुर से चुनाव लड़कर वे विधानसभा पहुंचे। तब से वे लगातार विधानसभा के सदस्य बने रहे। में वे उप मुख्यमंत्री बने। 1970 में वे मुख्यमंत्री चुने गए। मई 1969 से दिसंबर 1970 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इस सब के बाद भी उनके जीवन में हमेशा सादगी रही और विचारों में प्रखरता। तो वो दूसरे के तकलीफ से ज्यादा चिंतित और उनको कैसे दुख से निजात पाए इसके लिए बराबर सतत प्रयत्नशील रहते थे। पैसा इकट्ठा करके उनको देना, डॉक्टरों से इलाज करवाना, कोई किसी पर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसके पीठ पर खड़ा हो जाना, ये उनका काम रहता था। 7 मई 1947 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुकार पर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा भंग कर देने की मांग की और खुद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पूरे आपातकाल के दौरान ये भूमिगत रहकर आंदोलन करते रहे। 30 जनवरी 1977 को उन्होंने जयप्रकाश नारायण की सभा में हिस्सा लिया और 1977 में समस्तीपुर से सांसद चुने गए। इसके बाद वे दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए और 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 17 फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का
देहांत हो गया। दस न्यूज के लिए विवेक चंद की रिपोर्ट। यह सड़ी हुई सरकार है। मैंने 6 माह पूर्व आंकड़ा मांगा था, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह आयुक्त से आज तक नहीं मिला। यह कर्पूरी की टीस है, वह टीस जो समय और समाज के लिए उनके दिल में रह रहकर उठती थी। जब दर्द गहरा हो जाता था तो उसे डायरी के पन्नों पर बयां कर देते, पर कोशिश हमेशा जारी रहती कि हाशिए पर जी रहे लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएं। वो हमेशा चाहते थे कि आम और खास के बीच की दूरी खत्म हो सके, विषमता की खाई पाटी जा सके। पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए वो हमेशा जद्दोजहद करते रहे, पर कभी भी जात की राजनीति नहीं की, वो समाज की राजनीति करते थे। जयप्रकाश जी का जो ग्रुप था पहले फर्स्ट कोर में, रामानंदन मिश्र थे, गंगा शरण सिंह थे, महामाया बाबू थे, हमारे कर्पूरी ठाकुर थे, ये लोग इस ग्रुप में जो सोशलिज्म की बात की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि बगैर सोशलिज्म के, समाजवाद के, हिंदुस्तान जिस जितने खानों में बटा हुआ हिंदुस्तान है, इसको एकजुट रख सकता है तो वो यही विचारधारा रख सकती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव फोर्सेस कहिए, सोशलिज्म या समाजवाद।